हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक इन्फो विद आदित्य। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप में जो लास्ट सीन होता है, मतलब कि जो पीपल है ऑनलाइन था, वो कितने देर पहले ऑनलाइन था और अभी ऑनलाइन है या फिर नहीं, ठीक है, तो आप लोग उस चीज को किस तरीके से पता लगा सकते हो। तो अभी मजा आएगा ना वीडियो, इस वीडियो को बिना स्किप के पूरी की पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग अगर पूरी एंड तक देख लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगी। सो गाइज, इस वीडियो को टारगेट मैं सेट करता हूँ 50 लाइक्स का। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर कंप्लीट करवाएंगे। सो गाइज, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और अब आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप में लास्ट सीन की सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। जो एक सेटिंग होती है, आप उसे किस तरीके से व्हाट्सएप के अंदर सेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लोग ये देख सकते हो कि जो यूज़र है, व्हाट्सएप यूज़र है, वो कितने देर पहले ऑनलाइन था, ठीक है। सो गाइस, आप लोग को व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाना है और आप लोग यहाँ देख सकते हो राइट साइड टॉप में आप लोग को 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोग को मार्क करके दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो, और एरो की मदद से मैंने आप लोग को मार्क करके दिखाया। सो गाइस, आप लोग को इस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ लास्ट ऑप्शन देख सकते हो सेटिंग का दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पर अकाउंट का ये जो ऑप्शन है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर, जो कि पहला ऑप्शन है, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग को इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दोबारा से दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइज, यही मेन पेज है जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे लास्ट सीन की जो सेटिंग होती है उसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सबसे पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लास्ट सीन का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हो कि नोबडी पे सेलेक्ट है। इसका मतलब यह है कि किसी का भी लास्ट सीन आप लोग को नहीं दिखाई देगा, व्हाट्सएप यूज़र का किसी का भी लास्ट सीन आप लोग को यहाँ नहीं दिखाई देगा। जैसे आप लोग माय कॉन्टैक्ट करोगे, मतलब इसका ये है कि जो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं वो उनके व्हाट्सएप नंबर जो हैं आपके व्हाट्सएप में, उनके लास्ट सीन दिखाई देगा। और अगर आप लोग एवरीवन पे कर देते हो तो आपको जितने भी व्हाट्सएप के जो नंबर्स हैं सबके लास्ट सीन दिखाएंगे। जैसे मैं आप लोग को एवरीवन पे सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं अपने फ्रेंड के ही चल जाता हूँ ये जो व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है लास्ट सीन टूडे एट 4:11 PM। आप लोग को मैं ये भी अच्छे से मार्क करके एक और बार दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हो। मैं आप लोग को दोबारा से मार्क करके दिखाता हूँ, आप लोग ये देखिए, आप लोग को यहाँ पे नाम के नीचे दिखाई देगा, यूज़र का जो नेम है उसके नीचे ही दिखाई देगा कि उसका लास्ट सीन कब था, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग इस सेटिंग को अच्छी तरीके से समझ गए होगे और आप लोग इस सेटिंग को ज़रूर कर लोगे, ठीक है दोस्तों। आपको इस सेटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।